हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड, जहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है, पैसे बनते हुए नजर आएंगे हर तरीके से। ओके, आपको बस ध्यान रखना है, डेली भी पैसे बनते हैं और बनते हैं, उसके लिए मैं काफी वीडियोज बना चुका हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा सेशन में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप इंट्राडे चार स्टॉक से रिलेटेड बातें करी है। ओके, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इंट्राडे में शेयर में कैसे लाइव चार्ट पे पैसा बनता है, शॉर्ट सेलिंग करके बताई है, तो ये सब चीज मैंने बताया है। रिसेशन वगैरह से रिलेटेड वीडियो है और भी, और पूरी टिप्स जाननी है तो यहाँ पर ट्रेडिंग दिल से में एक एक मिनट की वीडियो है, आठ वीडियो है, आठ वीडियो को जाके देख लीजिएगा, पैसा अपने आप बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर वीडियोस को जाके देखिए, सीखिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े और जाने उन 12 स्टॉक से रिलेटेड, क्या 13 स्टॉक से रिलेटेड कि क्या होने वाला है। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर आवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और इसके अलावा ट्रेडिंग दिल से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ, तो एक एक करके स्टॉक से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले बलरामपुर चीनी, आपके सामने रिवर्स एरेंज शोल्डर पैटर्न टाइप में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी डबल टॉप कह सकते हैं कि डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा। ओके, चीजें यहाँ पर थोड़ी दिन अगर एक आध दिन और यहाँ पर कंसोलिडेट की तो यहाँ पर रिवर्स एरेंज शोल्डर पैटर्न बनेगा और चीजें और ऊपर जाती हुई नजर आएगी। सबसे पहले ये, दूसरी बात यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस सामने है 371 और 376, ये जो लेवल तोड़े तो याद रखिए 400 और 415 तक यहाँ पर स्टॉक जा सकता है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान देना और किस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है उसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो बलरामपुर चीनी हो गया सबसे पहले। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक्स की जिसका नाम है द्वारिका शुगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट होता हुआ हो सकता है, यहाँ पर देखिए इस लेवल को इसने निकाल दिया तो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा जो इसे 120 और 122 तक लेके जा सकता है। बट अगर नहीं निकाला तो यहाँ से गिरावट भी हो सकती है और यहाँ पर फिर चीजें नीचे आ सकती है, इंटरडे में 108 रुपए तक नीचे आ सकती है। तो आपको द्वारिका शुगर एज वेल एज बलरामपुर शुगर की तरफ ध्यान देना है, दो स्टॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टॉक्स है मदरसन सोमी वायर, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ बट ये जो कैंडल बनी है ऊपर की तरफ, हमेशा मुझे यहाँ पर डर लगता है कि यहाँ पर क्योंकि एक गिरावट होती हुई नजर आ सकती है बट इंट्राडे में पैसा कम सकता है कैसे। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को जो आज का इसका लो था 79.10 इसे यहाँ पर क्रॉस कर देता तो इंट्राडे में ही आपको 76 रुपए तक, 76.90 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और अच्छे खासे आपको 4-5% के रिटर्न ईजी मिल सकते हैं। तो मदरसन सोमी वायर की तरफ भी आपको ध्यान देना है, बट अगर इसका ऊपर लेवल क्रॉस हुआ 781.3 तो एक अच्छी खासी तेजी भी होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और स्टॉक्स की, किर्लोस्कर ओके न्यूमेटिक, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है इसकी तरफ ध्यान देना। ये स्टॉक्स मैंने बहुत पहले भी रिकमेंड किया, नीचे था तब मैंने रिकमेंड किया था और पोजिशनल वो दी थी आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासा शेयर ऑलरेडी यहाँ पर भाग चुका है बट यहाँ पर अभी एंड नहीं हुआ है। ओके, इस पर्टिकुलर लेवल को इसने का जो हाई है 476.95 ओके इस लेवल को निकाला तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी 514 तक, और जो इस तरीके से ये बन रहा है चार पैटर्न तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए राउंडिंग बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहा है और चीजें और ज्यादा 516 से भी ऊपर यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसकी तरफ पोजिशनल और दोनों बेसिस पे यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप लोग। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक्स की जिसका नाम है विनती ऑर्गेनिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.73% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पर देखे तो देखिए यहाँ पर शोल्डर बनाया, हेड बनाया, ओके हो सकता है कि एक आध दिन यहाँ पर नीचे आके शोल्डर बनाया और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होके चीजें ऊपर जाए, बट ये तो हो गई दूर की बात। और अभी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर ट्रिपल बॉटम टॉप का यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल, सबसे पहले तो यहाँ पर कोई कैंडल बने तो आप यहाँ पर देखिएगा, अदरवाइज इसमें 2165 यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। 2165 गया तो यहाँ तक ये जो लाइन खींच रखी है ना ट्रेंडिंग लाइन देखिए, ओके ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर से ही चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर टच करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर टच करके चीजें रिवर्स होती हुई दिखाई दे सकती है, इसे ऊपर गई तो और तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, 2300 का लेवल निकालना बहुत जरूरी है। तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है, विनती ऑर्गेनिक। इसके अलावा एरिस लाइफ साइंस, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ये शेयर ने मूव देना शुरू कर दिया है। ओके, यहाँ पर देखिए अगर इसने जो इसका हाईएस्ट 682 का जो इसने बनाया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये निकाला तो यहाँ पर एक तेजी होगी जो इसे शायद 698
और भी तेज यहाँ पर 720 और 736 तक भी ये लेके जा सकती है। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं, तो आपको इस तरीके से करना है। और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, डोजी, डोजी का हाई निकाला तो तेजी, डोजी का लो निकाला तो गिरावट, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे एक और शेयर की, डीसीएम श्रीराम। डीसीएम श्रीराम को कैसे यहाँ पर देख बोल सकते हैं, तो काफी बार यहाँ पर रिकमेंड किया है, शेयर काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पर देखिए सीधे यहाँ पर से मैंने कैलकुलेट किया था, कोई इशू नहीं है। डबल टॉप का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पर, ओके। और जब यहाँ पर कुछ कैंडल बने, डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ, तो इंटरडे में तो 1053-57-60 तक यहाँ पर रिटर्न मिल सकते हैं। बट उसके बाद पोजिशनल बेसिस की बात करूं तो 1200 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, तो अच्छे खासे यहाँ पर 20% के रिटर्न मिल सकते हैं। डीसीएम श्रीराम की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक्स की जिसका नाम है लेट एंड व्यू। लेट एंड व्यू की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए शेयर बार बार इसी एक ही रेंज में आके यहाँ पर रुका हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ पर नीचे सपोर्ट पे इसने बनाई है हैमर, ओके, और हैमर का ब्रेकआउट भी हुआ है, और ब्रेकआउट होकर उसी रेंज में यहाँ पर घूम रहा है, तो शायद यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर लंबी तेजी भी हो सकती है। इसके अलावा इसे अच्छी तेजी के लिए जो इसका ये वाला लेवल है 355 का, वो निकालना बहुत जरूरी है। 355 और 366 ये लेवल निकला तो 377 से टारगेट आएंगे, और 375 का जो लेवल निकला तो याद रखिए एक तेजी 426 और 546 तक भी हो सकती है। तो लेट एंड व्यू की तरफ ध्यान देना है। रिजल्ट देखने सबसे पहले वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। HFCL इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर रिवर्स एरन शोल्डर पैटर्न टाइप में बन रहा है, बट हम यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल टॉप या डबल टॉप कुछ भी कर लीजिए, ओके। यहाँ पर बात करें तो रिवर्स एरन शोल्डर ही है, तो यहाँ पर अगर ये चीजें भागी, ओके, और यहाँ पर निकाला इसने अपना हाई, तो याद रखिए सबसे पहले इंटरडे का टारगेट ही 70.25 तक आ सकता है, और इसे भी निकाल दिया तो ये पोजिशन बेसिस पे 85 रुपीज तक जा सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, उस हिसाब से अगर मैं इसके टारगेट की बात करूँ तो देखिए इसका टारगेट वो ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, 83। तो यहाँ तक जा सकता है, 22-23% के रिटर्न HFCL में आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स की, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स आपके सामने है, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है, ओके। रेजिस्टेंस की बात करें सामने है, हो सकता है कि यहाँ से अगले दिन यहाँ पर मंडे को जब मार्केट ओपन हो 1223 तक यहाँ पर चाहिए जाए, उसके बाद रिवर्स हो, या फिर 1223 को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो अच्छी खासी तेजी और हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अगर इसके गिरता है तो अच्छा खासा सपोर्ट है, बट अगर गिर जाता है तो और गिरावट हो सकती है। बट यहाँ पर आपको अगर इसका हाई निकाल दिया 1186 तो तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसकी तरफ भी बजाज इलेक्ट्रिक की तरफ ध्यान देना है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ओके। कुछ दिन पहले ही आपको यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देखिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक को ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दिया था, इसके बाद चीजें नीचे आई, ओके, इसने डोजी बनाई। अब क्या, अब यहाँ पर इसका हाई अगर हम बात करें 295 एज वेल एज 301 ये लेवल निकाला तो यहाँ पर एक लंबी तेजी हो सकती है, जो 321 और एज वेल एज 348 तक यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ पर चीजें जा सकती है। राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आई थी, राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जा सकती है, तो यहाँ तक के मुझे लग रहा है कि चीजें यहाँ पर जा सकती है पोजिशनल बेसिस पे। इंटरडे बेसिस पे कुछ ऐसी कैंडल बने, ओके, ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर ये चीजें और ऊपर जा सकती है, तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे, चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर आपके सामने है, ओके। फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपको पता ही है किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस स्टॉक की तरफ ध्यान दे सकते हैं, ओके। यहाँ पर भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, या कह सकते हैं कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसने इसका हाई 310 का लेवल तोड़ा, तो याद रखिए एक तेजी होगी जो इसे 324 तक, और 324 को भी निकाल दिया तो यहाँ पर 368 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है पोजिशनल बेसिस पे। बट इस शेयर की तरफ ध्यान देना है, ओके, इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है, और नहीं निकाला तो यहाँ से टच होकर गिरावट भी हो सकती है, तो इसके आसपास ही है तो ध्यान देना है पोजिशनल बेसिस पे भी। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो पोजिशनल एज वेल एज यहाँ पर आपको इंटरडे बेसिस पे ध्यान देना है। इंटरडे बेसिस पे इनमें से ही बेस्ट स्टॉक्स को चुनिएगा। कल और 12-13 स्टॉक्स बताऊंगा, उनमें से चुनिएगा तो आपको पता चलेगी कि हाँ बेहतरीन स्टॉक्स आपको मिले। ट्रेडिंग करिएगा, चार्ट ओपन करके बैठिएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा किसी ना किसी स्टॉक्स में आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो हर एक स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, बट बेस्ट बेस्ट स्टॉक्स को चुन के यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको चुनना है कि बेस्ट कौन सा है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है। इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रेडिंग दिल से को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरी वीडियोस को जाके देखिए, आनंद लीजिए, सीखिए,
वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।